हमारी फर्स्ट लोकेशन है चाय की टपली, और यहाँ पे मैंने सचिन को पूरी अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया है कि बुलेट कैसे राइड करते हैं। और हमारे सभी इंडिया के टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं उसमें एक बात तो कॉमन होती है, और ये दीवार पे बनी हुई कलाकृति। यहाँ इस जगह पे अभी बहुत सारे बंदर थे, तो अभी हम लोग लगभग आधे रास्ते पे आ चुके हैं। और ये जूम करके दिखा देना कितने सारे कीड़े जो हैं रास्ते में पूरे मेरे ये कपड़े पे चिपक गए हैं। अच्छा, ये दो रास्ते, इसमें से कौन सा जाना है? हमें जाना है इस तरफ। हम लोग लगातार यहाँ से अभी बाइक राइड ही कर रहे हैं पटना से जब निकले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, और नई दिन के साथ शुरुआत करते हैं कि हमारी नई ब्लॉग। हम कुछ जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है जहाँ पे हम आज निकले हैं, और चलते हैं हम अपने कैमरे को साथ लेके जाएंगे, और कैमरे को साथ लेके जाएंगे तो आपके साथ जाओगे। हमारी फर्स्ट लोकेशन है चाय की टपली। हम लोग ने सोचा था कि ऊपर से कुछ डालेंगे नहीं, टपली है तो जैकेट पहन लेंगे। और हमारे पीछे आप लोग देख सकते होंगे कि पहाड़ है। तो यहाँ पे अब सचिन को सिखाया जा रहा है गाड़ी चलाने का। और यहाँ पे मैंने सचिन को पूरी अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया है कि बुलेट कैसे राइड करते हैं। तुम भाई बुलेट ही चलाओ, तुम इधर मत देखना। और यहाँ पे ये चला रहा है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. और ये रहा हमारा साइक्लोपियन वॉल। इसके बारे में बताया जाता है कि ये मौर्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, 3rd century BC में ये बना था, और ये अप्रॉक्स 25 किलोमीटर लंबा है क्योंकि पूरी राजगीर को कवर करता है एक तरह से। यहाँ पे कुछ लोग भोज भी करते हैं, ये देख लीजिए, मतलब पहाड़ को भी नहीं छोड़ा गंदा करने से। पहाड़ पे आने में ही बहुत अच्छा लगता है, यहाँ दूर दूर तक पहाड़ है। साइक्लोपियन वॉल की ये हिस्ट्री रही है कि इसे मौर्य डायनेस्टी के द्वारा बाहरी इन्वेडर्स एंड जो भी इनिमिस थे मतलब मौर्य डायनेस्टी के, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये साइक्लोपियन वॉल का निर्माण किया गया था। अभी मैंने बहुत ही रिमार्केबल काम किया है, और मौर्य डायनेस्टी का बहुत ही पुराना किला मैंने डिस्कवर किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो इस टाइप का दिखता था। और अभी मतलब जो 3rd BC में जो राख वगैरह होते थे अभी तक इसको प्रोटेक्ट करके यहाँ पर रखा गया है, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और इसी चूल्हे में मतलब लोग कहेंगे कि वो चूल्हा यहाँ पे अभी कुछ लोग मतलब पार्टी वगैरह करने आते हैं तो वो लोग बना के यहाँ पे छोड़ के गए। अच्छा नहीं लगता है, पर जो भी मतलब आप लोग कर रहे हो यहाँ पे गंदगी वगैरह फैला रहे हो तो उसको साफ करने का भी मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फन करो, पर उसको ये भी ख्याल रखो कि हाँ आप मतलब अपने नेचुरल जितने भी प्लेसेस हैं जो भी हेरिटेज हैं उनको गंदा नहीं करें, क्योंकि अगर आप गंदा करते हो बाहर से लोग आ रहे हैं देखने वो मतलब देख के क्या सोचेंगे इंडिया के बारे में। तो हमें इसका ख्याल रखना है, और चलते हैं फिर आगे। चलते चलते हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है रथ चक्र निशान। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो पैरेलल लाइन में आपको हल्का हल्का दीप मिलेगा ये पत्थरों पे। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी रास्ते से गुजरे थे। और हमारे सभी इंडिया के टूरिस्ट प्लेस जितने भी हैं उसमें एक बात तो कॉमन होती है, और ये दीवार पे बनी हुई कलाकृति राधिका, बहुत सारे नेम है यहाँ पे। और सचिन भी यहाँ पे मिल चुका है। सचिन जरासंध का ये हाथ का पंजा का निशान है। जरासंध के पंजा का इतना बड़ा पंजा था जरासंध का, की तो 10,000 हाथी के अच्छा जरासंध और भीम।
यहाँ पूजा किस लिए होता है ये? ये पूजा किसका होता है यहाँ पे? कृष्ण भगवान का चरण, कृष्ण भगवान का यहाँ पे चरण है। देखिए चरण, कृष्ण भगवान का चरण का निशान। ये अंकल से हम लोग मिले, इन्होंने बताया कि ये जो निशान है रथ के, ये आगे तक जाते हैं, पर इतना ही दूर को सरकार प्रिजर्व कर पाई है और आगे जो भी निशान थे वो मिट चुके हैं। तो हम लोग अभी उदयगिरी पर्वत है, वहाँ पे सीढ़िया से चढ़ रहे हैं ऊपर। थोड़ा सा ही ऊपर आने के बाद मतलब यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। तो हम भी वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस है सीधा चलने में और उस तरह से चलने में। सचिन पहले तुम ड्राइवर, तो इस तरह से चल स्टेप नहीं भर, यही कि डिस्टेंस कम कवर होगा, लेकिन मतलब आदमी साफ नहीं खुलेगा। चलो तो इस तरह से जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर इधर आना है, फिर ऊपर। तो मोटा मोटी देखिए तो आप मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ोगे और आप थकोगे नहीं जल्दी। ये लगा कि वॉक कर रहे हैं, क्या है कि उन लोग का डेली का काम है, और इस तरह से अगर वो लोग दिन भर चढ़ेंगे तो पता नहीं कब थक जाएंगे और जरूर भी जाएंगे जल्दी में। तो सही तरीका है चढ़ने का। यहाँ इस जगह पे अभी बहुत सारे बंदर थे, इसमें तो छोटे छोटे बंदर थे, इसलिए ज़्यादा ऊपर हम जाएंगे यहाँ से लौटते हैं। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं ऊपर फिर से, और चढ़ना जितना मुश्किल है ना, उतरना उतना ही आसान। हम लोग आए हैं यहाँ बिंबिसार जेल में, और ये किसी एंगल से जेल नहीं लगता है। सचिन तो अगर इस वाले जेल में तुमको कैद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? जेल में जेल वाली कोई बात नहीं। जेल वाली बात, और ये जेल के बगल का जंगल है जहाँ से कैदी भागेंगे, तो अंदर जाके देखते हैं। ये बिंबिसार जेल जो है उसी के पास एक छोटा सा जंगल नुमा टाइप का बना हुआ है, बना हुआ नहीं मतलब जंगल टाइप का पेड़ पौधे हैं यहाँ पे,